फ्रेंड्स कैसा लगा ये मेकअप लुक? मैंने साई साई स्टाइल इंस्पायर मेकअप लुक किया है, तो जितना हो सका है हमसे मैंने ट्राई किया है। उनके जैसा तो नहीं कर सकते, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत किया है उनके जैसा। तो आप, अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। और हाँ, कमेंट्स करना ना भूलें अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे ये मेकअप लुक और ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आगे चलिए, आप लोग वीडियो को देखिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो चलिए आप लोग देखिए वीडियो को और कमेंट्स करना ना भूलिए फ्रेंड्स। चलिए तो आगे देखिए वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं मेकअप स्टेप बाय स्टेप। तो मैं स्किन केयर पहले ही कर चुकी थी, तो मैंने अब फिर से यूज़ किया है एलोवेरा जेल। इसको अच्छे से फेस पर अप्लाई कर लेते हैं, जिससे कि मॉइस्चराइजिंग भी हो जाएगी अच्छे से और प्राइमर का भी अच्छे से काम करता है। लेकिन मैंने फिर से प्राइमर भी यूज किया है, तो ये मैंने प्राइमर भी यूज किया था, बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा ये यूज किया और इसको थोड़ा सा लगा लिया था। तो चलिए आप लोग देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैंने शेयर किया है मेकअप को। मेकअप फिक्सर स्प्रे होती है ना, उसको ना ब्यूटी ब्लेंडर से गीला कर लेते हैं, स्प्रे कर लेते हैं और फेस पर। हाँ फ्रेंड्स, फेस पर पहले थोड़ा सा वो मेकअप फिक्सर यूज़ कर लो ना, तो बहुत अच्छा मेकअप निकल के आता है। तो मैंने यूज़ कर लिया है कंसीलर आईज़ कॉर्नर पर, और जहाँ जहाँ ब्लैक स्पॉट्स वगैरह हैं थोड़ा बहुत, तो वहाँ भी यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए अब इसको, इस मेकअप को हाँ, और जहाँ जहाँ ये ब्लैक वगैरह दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक चेहरे में दाग वगैरह हों, वहाँ पे यूज कर लिया है और आईज में यूज कर लिया है। तो मैं इसको ब्लेंड अच्छे से कर लेती हूँ। तो चलिए देखिए आप लोग, ब्लेंड हो गया है। तो आप ब्लेंडिंग, हाँ, और गर्दन तो छोड़ना ही नहीं है, नहीं तो गर्दन का कलर अलग लगेगा और मेकअप चेहरा अजीब सा दिखेगा, वाइट वाइट सा। तो अब मैं यूज कर लेती हूँ फाउंडेशन। फाउंडेशन बिल्कुल हल्का सा, लाइट मेकअप है ना, तो फाउंडेशन बिल्कुल हल्का सा, फाउंडेशन को बिल्कुल हल्का सा यूज किया है, थोड़ा थोड़ा डब डब मोशन में मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। तो चलिए आप लोग देखिएगा इसको। तो ये देखिए ब्लेंड हो गया। अब मैं ना पहले कॉम्पैक्ट मैं अपनी स्टाइल से कर रही हूँ, थोड़ा मेरी अलग स्टाइल है, मैं कॉम्पैक्ट पहले ही यूज करती हूँ, तो मैं पहले कॉम्पैक्ट यूज कर लेती हूँ, फिर इसके बाद ब्लश वगैरह यूज करती हूँ। तो मैं थोड़ा अलग स्टाइल से, अपनी स्टाइल से यूज करती हूँ। तो चलिए आप लोग देखिए, पहले ब्लेंड हो जाता है ये फेस पाउडर, इसको कर लेते हैं डब डब मोशन में। तो ये देखिए हो गया है। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ कॉन्टोरिंग। तो मैंने ज़्यादा डार्क शेड नहीं यूज किया था, वही मेकअप पैलेट, वो आई पैलेट से मैंने वही हल्का सा ऑरेंज कलर, डार्क ऑरेंज कलर पिक किया था, उसी से मैंने ये कंटूरिंग की थी। तो चलिए आप लोग देखिए, स्किन ना डबल चिन होती है ना, तो उसे तो ज़रूर कंटूरिंग करनी चाहिए। तो ये देखिए मैंने कैसे कंटूरिंग की है, वो ऐसे ना पाउच बना के, तो अच्छे से कंटूरिंग हो जाती है। और फिर मैंने ब्लश यूज किया था, ये देखिए मैंने तुरंत ही ब्लश वगैरह यूज किया था। तो और हाँ फ्रेंड्स, मैंने हाइलाइटर भी यूज़ किया है, इसमें वीडियो में नहीं कैप्चर कर पाए तो इसके लिए सॉरी। हाँ, और मैंने हाइलाइटर भी यूज किया था।
तो इसमें नहीं समझ में, मतलब वीडियो मैंने समझ ही नहीं पाया कि कैप्चर, मैं सोचती रही वीडियो बन रहा है लेकिन वो वीडियो नहीं बन रहा था। चलिए अब मैं आईज का मेकअप स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने ले लिया है कंसीलर, वाइट मेकअप आई शेडो, मतलब लाइट ही उसमें उनकी मेकअप में दिख रहा है, तो मैंने वो वाइट कलर ले लिया है। तो चलिए आप लोग, आई शेडो लगा चुकी हूँ, तो अब मैं लगा रही हूँ लाइनर, आई लाइनर। देखिए मैं कैसे लगा रही हूँ लाइनर, मेरे से ना कैमरे में देख के नहीं लगा पाती हूँ मैं, मिरर ज़रूरी मुझे है, बिना मिरर के मैं नहीं लगा सकती सही से, तो मैं उसी में देख के लगा रही हूँ। देखिए एक आईज का डन हो गया है, तो मैं मेरा तो लाइनर डन हो चुका है। अब लगा लेती हूँ मस्कारा, तो मस्कारा अप्लाई करती हूँ। तो चलिए देखिए आप, मस्कारा यूज कर लिया मैंने दोनों आईज में, अच्छे से मस्कारा यूज करना है। तो आप लोग देखिए, ये देखिए हो गया ना, अच्छे से लग गया। अब दूसरी आईज में भी सही से कर लेती हूँ। हाँ, उनकी एक आईज में काजल नहीं था, सिर्फ लाइनर ही है, तो लाइनर ही यूज किया मैंने भी, और मस्कारा है तो मस्कारा भी यूज किया है, और काजल नहीं है। देखिए मैं कैसे यूज कर रही हूँ, मस्कारा नहीं सही से हो पा रहा था। मस्कारा लग चुका है, तो अब मैं लगाती हूँ हाइलाइटर। तो लग चुका था, वीडियो नहीं बन पाया इसके लिए, सॉरी। तो चलिए आप आगे देखिए कैसे मेकअप। अब मैंने आई पैलेट से आईब्रो फिल कर लेती हूँ, ब्राउन कलर पिक किया मैंने, तो आईब्रो फिल कर ली। और हाँ, अभी थोड़ा अजीब सी लग रही है आईब्रो, ये जब कॉम हो जाएंगी ना तो अच्छी लगने लगेंगी। तो चलिए आप लोग देखिए कैसा लगा, और थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी तो उसको साफ कर रहे थे, तो ये देखो अच्छे से हो गई ना। अब इसको अच्छे से कॉम कर लेते हैं, तो कॉम्ब भी कर लिया मैंने। अब देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छी लगने लगी आईब्रो। तो मैंने आईब्रो को अच्छे से कॉम्ब कर लिया है, तो अब सही अच्छी लगने लगी है आईब्रो। आप लोग कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा आपको कैसा लगा ये मेकअप लुक, साई स्टाइल मेकअप लुक, तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स। और उन्होंने ब्लैक बिंदी वियर की थी, मैंने रेड लगाई तो इतना नहीं अच्छी लग रही थी, फिर मैं रेड ही लगाती हूँ, रेड या मरून और कलर लगा लेती हूँ, बट ब्लैक बिंदी नहीं लगाती हूँ। लेकिन उस मेकअप लुक में ब्लैक बिंदी थी तो मैंने ब्लैक बिंदी अप्लाई की थी। देखिए आप लोग, देखिए अच्छी लग रही है ना। तो चलिए आप लोग आगे देखिए, अब मैं यूज़ करती हूँ लिपस्टिक, तो लिपस्टिक भी यूज़ कर लेती हूँ। तो आप लोग देखिए, ये देखिए लिपस्टिक मैंने अप्लाई कर ली थी, तो और थोड़ा मेकअप फिक्सर स्प्रे भी यूज़ कर लिया, तो मेकअप बहुत ही अच्छा लगने लगा था, साइन कर रहा था, अच्छा लग रहा था। तो चलिए आप लोग देखिए, तो ये रहा फाइनल लुक। आप लोगों को कैसा लगा ये मेकअप लुक, तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। तो कुछ पोज वगैरह दे देती हूँ, कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, और चैनल को हाँ फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। तो आप लोग बताइए कैसा लगा ये मेकअप लुक, चलिए आप लोग देखिए। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय। बहुत मेहनत लगती है आप लोग अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं ना, आप लोगों का कोई इसमें पैसा वगैरह नहीं लगता है, आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आप लोग।
बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।